हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडिशन और फ्रैक्शन यानी भिन्नों का जोड़ देखेंगे। आज हम लोग पार्ट 8 देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 2 7 देख लिए हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 8/9 + 5/12। सबसे पहले हम लोग जो डिनोमिनेटर होता है इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर एलसीएम निकलता है तो निकालते हैं, नहीं निकलता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग 9 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 × 3 × 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। यही जो है हम लोग का एलसीएम है 36। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 9 का टेबल पढ़ते हैं यानी कितना टाइम में 36 आएगा। तो 9 4 जा 36, 4 आया, 4 से ऊपर जो नंबर है 8 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32। प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब ये 12 का टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम में 36 आएगा। तो 3 टाइम में 12 3 जा 36, 3 है, 3 से 5 में मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15। अब ये ऐड कर देंगे, 5 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 1 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपन 36 है तो 36 आ जाएगा। ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया 47/36। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फाइव अपॉन सिक्स प्लस 3/8। यहाँ जो डिनोमिनेटर है 6 और 8, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चेक करते हैं हम लोग एलसीएम निकाल कर 6 और 8 का। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। यहाँ पे हम लोग का एलसीएम कितना है 24। अब ये 6 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम में 24 आएगा, तो 6 4 जा 24, 4 आया, 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20। प्लस है तो प्लस। 8 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम में 24 आएगा, 8 3 जा 24, 3 है, 3 में और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 9 ऐड होगा, 29/24। यह हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया 29/24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7/12 + 11/16 + 9/24। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, किसका 12 16 और 24 का। तो यहाँ हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 12 16 24। कौन सा नंबर से जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12, ये 8 टाइम में जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा, ये 3 उसी तरह आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर ये अब जाएगा किसे, 3 से, 3 1 जा 3, ये 2 उसी तरह आ जाएगा, 3 1 जा 3। अब एलसीएम हम लोग लिख देंगे, ये सब मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3, 3 टाइम 2 है, 1 2 3,
फिर इंटू ए थ्री लिख देंगे, इंटू ए टू है टू लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, टू टू जा फोर, टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर में टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48। यही जो है हम लोग का एलसीएम आया। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 48। अब ये 12 का टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम में 48 आएगा, तो फोर टाइम में फोर आया, फोर से ऊपर जो नंबर है सेवन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर सेवन जाए 28 प्लस 16 का टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम में 48 आएगा, थ्री टाइम में, थ्री में 11 से मल्टीप्लाई हो गया, एलेवन थ्री जाए 33 प्लस 24 का टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम में 48 आएगा, टू टाइम में, टू से नाइन में मल्टीप्लाई होगा, टू नाइन जाए 18। अब हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, एट और थ्री ऐड करेंगे तो 11, 11 में एट ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 19, 19 का नाइन कैरी वन, वन थ्री फोर आ टू सिक्स आ वन सेवन बाई 48। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया 79/48। इस तरह से हम लोग कोई भी फ्रैक्शन रहेगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।